हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ सरफेस केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। तो मेथड्स ऑफ कोगुलेशन में एक हेडिंग है बच्चों आपका, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग पहले, बाय बाय एडिंग ऑफ, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी शुरू कहानी तो आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है सर? उसके आगे कहानी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके बच्चों, ध्यान देना। भाई एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी ने बोला भैया कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे उसके अंदर तो आपका जो क्रिस्टल सोल है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, मतलब कोगुलेशन कर लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसी के ऊपर एक हार्डी सुलझे नामक रूल भी है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे भैया, लिखते रहे नाम यहाँ पर, क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस करेंगे हार्डी। देखिए भैया, स्पेलिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इसी के अंतर्गत आपका डिस्कस किया जाएगा, ठीक है सर? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप ध्यान समझिए उसको। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल पार्टिकल्स आर इजली कोआगुलेटेड कोआगुलेटेड बाई द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो आसानी से कोगुलेटेड हो जाते हैं, मतलब आसानी से क्या बना लेते हैं सर, कोगुलेटेड मतलब समझ रहे हैं सर आप लोग, समझ रहे? नहीं सर, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं बाई द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि सर मेरे पास एक कोलाइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव कोलाइडल सोल है, ठीक सर? अब किसी कंटेनर में ये हमारा भरा हुआ था, ऐसे ढेर सारे होंगे, मैं तो एक एग्जांपल लिया हूँ। तो इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट उठाया और ऐड कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रो लाइट है, ऐड किया। तो यहाँ सर प्लस होता है और यहाँ क्या होता है, माइनस। अब क्या हुआ, ये माइनस वाला क्या करेगा, ये जो माइनस वाला है पार्टिकल जो चार्ज है, जैसे मिलाया आपने, तो ये उसके प्लस को अपने तरफ ले लेगा, जितने इसके ऊपर प्लस है सबको अपनी तरफ खींच लेगा, जो अपनी तरफ ही उसको खींच लेगा, क्योंकि भैया ये तो एड्जॉर्व है ना, पार्टिकल इसके सर्फेस पर एड्जॉर्व हुए हैं, तो एड्जॉर्व होता आसानी से इसके साथ चले जाएंगे, और जब इसके साथ चले जाएंगे तो हमारा कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, हमारा कोलाइडल पार्टिकल हो जाएगा अब डिस्चार्ज। क्या हो जाएगा सर हमारा पार्टिकल, ये डिस्चार्ज। और जब हमारे पार्टिकल सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट या फिर कोगुलेटेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से और कुछ चीज़ देखिएगा, अब मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, द प्रेसिपिटेशन एक्शन ऑफ आयंस, भाई आयंस ही तो प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं, आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन साइन, मतलब कौन सा उनके ऊपर चार्ज है, साइन ऑफ चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड वैलेंसी ऑफ द आयन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रखता है अपने, अकेला सिंगल कितना अपने ऊपर चार्ज रखता है। देखिए सर, हमें इससे नहीं मतलब है कि 2Cl- माइनस रखा है तो दो नेगेटिव चार्ज, नहीं, हमें बस ये देखना होता है, हमें ये देखना है, ठीक सर, हमें ये देखना है ये। तो अब इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी दो, तो हमें ये देखना है, साइन देखना है कौन सा साइन है इसके ऊपर, और उसके साथ साथ क्या देखना है, हमें वैलेंसी ऑफ द आयन को देखा जाता है। जैसे देखिए, अब ध्यान देना, अगर कोई कोलाइडल सॉल्व नेगेटिव है, कैसा भाई, नेगेटिव है, तो वो प्रेसिपिटेट कब बनाएगा, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे बाई पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव पार्ट की मदद से क्या बना लेगा, क्या बना लेगा सर, प्रेसिपिटेट बना लेगा। अगर भाई साहब के ऊपर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व है हमारा, तो वो प्रेसिपिटेट बना लेगा बाई नेगेटिव पार्ट ऑफ किसका, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसका, और किसका भाई, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। अब इसी पर देखते हैं हम लोग अपना, क्या इसी के ऊपर फोकस करते हैं अपना हम लोग। भैया जी, ये हार्डी और ये पता नहीं क्या इनका नाम है, भैया आप लोग देख लेना, ये
ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये अब देखना क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ द कोगुलेशन, कोगुलेशन क्या होता है तो जानते हो भाई, कॉमन सी बात है। द कोगुलेशन पावर डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड, वही जो बात मैंने आपको भी ऊपर समझाई है, साइन ऑफ आयन। ऑफ आयन मतलब क्या कि सब टू सी एल माइनस लिखा है तो मैग्नीट्यूड ये नहीं देखना है, ये मैग्नीट्यूड नहीं देखना भैया, ये मैग्नीट्यूड देखना है। एक बार माइनस है और साइन मतलब निगेटिव चार्ज है, ये मैग्नीट्यूड देखना है, ये जो आप लिख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड देखना है। तो क्या होता है भैया, द कोगुलेशन पावर डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ आयन। अब ध्यान देना, और क्या बात है यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं एक खास बात लिख रहा हूँ कि जो कोगुलेशन पावर होता है, जो कोगुलेशन पावर होता है वो भाई आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन। क्या भाई, वैलेंसी ऑफ आयन, खास बात है, बहुत क्वेश्चन आप करेंगे इसके ऊपर, वैलेंसी ऑफ आयन। देखिए अगर कोई मेरे पास पॉजिटिव सोल है और इसके सीक्वेंस में जो हमारे एनसीईआरटी भैया ने कंसीडर किया है उसको ध्यान से देख लेते हैं, तो वहाँ पर ये बात बताई गई कि सर ये फी सी एन का होल सिक्स, फोर माइनस किसी इलेक्ट्रोलाइट में है ये पार्ट पॉजिटिव सोल के लिए, तो इनकी कोगुलेशन पावर बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उनके पास निगेटिव पार्ट इस तरीके का है और ये अच्छे हैं किससे, कोई और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट दिया उनके पास निगेटिव पार्ट इस तरीके का है और ये अच्छे हैं किससे, कोई मेरे पास और इलेक्ट्रोलाइट दिया उनके पास निगेटिव पार्ट इस तरीके का है, तो ये हम सीक्वेंस यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो भैया तो क्या बता रहा है, कोगुलेशन पावर, ध्यान देना यहाँ पर, कोगुलेशन पावर वैलेंसी ऑफ आयन को डिपेंड करते हैं कि भैया के ऊपर पास यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, भैया पॉजिटिव सॉल्व किससे अपना प्रेसिपिटेट बनाएंगे, भाई बाई द पार्ट ऑफ निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट में हम देखेंगे क्या कोगुलेशन पावर किसकी अच्छी है, तो कोगुलेशन पावर डिपेंड करेगा वैलेंसी ऑफ आयन, यहाँ चार, यहाँ तीन, यहाँ दो और यहाँ पर एक, इस तरीके से आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा अब देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी ने लिया हुआ है निगेटिव सॉल्व के बारे में, तो निगेटिव सॉल्व के बारे में देखते हैं तो क्या हो जाएगा सर, कोई निगेटिव सॉल्व किससे अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा, भाई इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव पार्ट से, तो अगर मेरे पास कई ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं मुझे चूज करने के लिए बोला गया भैया, तो हम तो देखिए अगर मेरे पास ये है, ये है और ये है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे सर, सर इन तीनों में से सबसे अच्छी कॉगुलेशन पावर इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी है, सही बात है कि नहीं बताइए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कुछ करने, एक रिलेशन और यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या रिलेशन है कि कॉगुलेशन, कॉगुलेशन पावर जो है आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है वन बाई कॉगुलेटिंग, कॉगुलेटिंग क्या वैल्यू, सर ये क्या है आइए समझाते हैं। देखिए कोगुलेटिंग, कोगुलेशन पावर, अगर देखिए किसी कंटेनर के अंदर, ध्यान दीजिएगा सर, किसी कंटेनर के अंदर कोई कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है सर, ये कोलाइडल पार्टिकल है जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, एक और लेते हैं सर, ये तीन कोलाइडल पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव है पूरा और ये भी, तीनों पॉजिटिव है, सेम ही चार्ज होगा सबके। अब आपसे पूछा गया कि सर पॉजिटिव है, और एक और लेते हैं सर, ये पॉजिटिव है, और पूछा गया सर एफ ई सी एन का होल फोर के ऊपर फोर माइनस है, ये था मेरे पास और सी एन माइनस था, दो लोग हैं, बोला कि भैया सर इसको क्या करना है, कोगुलेट करना है, इस पूरे कोलाइडर सोल को क्या करना है, कोगुलेट करना है, तो दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, अब ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ये हमसे पूछ लिया गया, आप ये बताइए इन सब में से कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी अच्छी है, तो सर देखिए कोगुलेटिंग पावर तो इसकी अच्छी है सर, इसी यहाँ पर वैलेंसी चार है सर, इसकी कोगुलेटिंग पावर अच्छी नहीं है, तो अब कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, तो देखिए अगर आप ये ऐड करते हो इसके अंदर तो बताइए कितना यूज करेंगे सर, सर ये तो हमें यूज करना पड़ जाएगा फोर टाइम, चार प्लस है तो चार पर माइनस लेना पड़ जाएगा, जबकि ये हमें एक बार यूज करना है, तो यही जो आप संख्या लिख रहे हैं ना, ये जो संख्या आप लिख रहे हैं इसी को बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। तो देखिए भैया जिसका कोगुलेटिंग पावर अच्छा होगा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी, कम होगी नहीं, अब इसकी कोगुलेटिंग पावर बहुत अच्छी है तो ये अकेले जाएगा और सभी आयन को सेटिस्फाई करके प्रेसिपिटेट बना लेगा, जबकि इसके लिए हमें चार बार यूज करना पड़ेगा, तो इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू अच्छी है, इसकी कोगुलेटिंग पावर अच्छी है, आपको समझ में आया होगा। तो यही आपका क्या है भैया, यही आपका हार्डली सुजर लॉ बोल सकते हैं इनको। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक दो को समझने के लिए, यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन बनाया, अब ध्यान समझिए क्वेश्चन को, बोल रहा है विच इज द बेस्ट कोगुलेटिंग, विच इज द बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट, एजेंट फॉर Fe2O3
डॉट एक्स एस टू ओ। तो सर ऑप्शन दे रखा है ए एम जी सी एल टू, ऑप्शन दे रखा है बी के फोर एफ ई सी एल का होल सिक्स, ऑप्शन दे रखा है सी ए एल सी एल थ्री, ऑप्शन दे रखा है डी के टू सी टू ओ फोर, ये दे रखा है सर। अब हमें ये जानना है पहले सर कि बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट कौन है। तो सर जिसकी कोगुलेशन पावर अच्छी होगी। तो सर ये पहले मेरे पास ये बताइए सर, ये कौन सा चार्ज रखता है, ये कैसा कोलाइडल सोल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये जानना है। तो पता चला हमें मालूम है, हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में अभी कि ये होते हैं हमारे पॉजिटिव। क्या होते हैं पॉजिटिव, इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें चाहिए निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पार्ट, निगेटिव। तो यहाँ से सर मिलेगा टू सी एल माइनस, सर यहाँ से मिलेगा एफ ई सी एन का होल सिक्स, सर इस पर माइनस का फोर, सर यहाँ से मिलेगा थ्री सी एल माइनस, सर यहाँ से मिलेगा सी टू ओ फोर पे टू माइनस। तो आप इसके बेसिस पर समझ पा रहे हैं क्या, ये आपके लिए क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। ठीक सर, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए आप सबको, अभी गोल्ड नंबर आपका है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे।